ये गुलाब जामुन की सब्जी है ये? हाँ। इसमें क्या क्या डाल रखा है आपने? गुलाब जामुन और पनीर। पनीर और मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता। हाँ। जोधपुर में आपको कहीं नहीं मिलेगी ये गुलाब जामुन की सब्जी। अभी हमें जोधपुर में न्यू बैंकर बेस्ट वालों के पास यहाँ मिलती है जो गुलाब जामुन से बनी स्पेशल सैंडविच। सैंडविच आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन गुलाब जामुन से बनी सब्जी की सैंडविच शायद ही आपने कभी खाई हो। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। तो आप क्या बनाते हो अपने ठेले पे? सैंडविच है, कबूली है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पनीर। ये गुलाब जामुन की सब्जी है ये? हाँ। वाह क्या तरी आ रही है अंकल जी, एकदम शानदार लग रही देखने में। इसमें क्या क्या डाल रखा है आपने? गुलाब जामुन और पनीर। पनीर और क्या क्या बोलते हैं, मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता। हाँ। अच्छा तो सैंडविच तैयार करते हो आप? हाँ। अच्छा अच्छा, तो और क्या क्या बेचते हो आप? ये चावल। हाँ, चावल मतलब क्या बोलते हैं? कबूली बोलते हैं। बोलते हैं। अच्छा अच्छा, इसके साथ ये लड्डू रहते हैं आपके? ये फीटी बादाम। फीटी बादाम के लड्डू। 900 रुपए किलो है। 900 रुपए किलो। अच्छा अच्छा, तो आप सैंडविच बताइए हमारे लिए कैसे क्या सैंडविच रहती है? पहली बार खाऊंगा मैं तो ऐसी सैंडविच। ये ब्रेड हो गए आपके, है ना? हाँ, ब्रेड होगी। एक पे चटनी लगाएंगे लहसुन प्याज की। एक पे लहसुन प्याज की चटनी लगेगी? हाँ जी जी। ये देखिए, ये चटनी लगी लहसुन प्याज की जी। हाँ। ये जोधपुर का बहुत ही फेमस सैंडविच है ये। बिल्कुल। और जोधपुर में आपको कहीं नहीं मिलेगी ये गुलाब जामुन की सब्जी, है ना अंकल जी? हाँ बिल्कुल सही है। और इसके पास ये जाता है, ये गुलाब जामुन का पीस और एक पनीर का पीस सैंडविच में। ये जी क्या बात है, देखो कितनी शानदार तैयार है। आ जा जा, ये होगी सैंडविच रेडी हमारी। बंद कर दिया इसको। इसकी रेट क्या रहती है अंकल जी? 60 रुपये। 60 रुपये। तो आप कितने टाइम से लगा रहे हो उस ठेले को? 30 साल हो गए हमको। 30 साल इसी सब्जी को बेच रहे हो इतने सालों से? अच्छा अच्छा, ये 60 रुपए की प्लेट है जी। जोधपुर के अलावा आपको ये सैंडविच कहीं नहीं मिलेगी गुलाब जामुन की सब्जी के साथ। ये लेके आया हूँ जी मैं इनकी सैंडविच जो गुलाब जामुन की सब्जी के साथ देते हैं ये बना के, 60 रुपए प्राइजेस की। खा के देखता हूँ, डिफरेंट लगती है। जैसे नॉर्मल सैंडविच तो हमने काफ़ी खाई है, लेकिन जोधपुर में आने का अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही न्यू डिश है, अलग ही नई तरह की सैंडविच है। खा के देखता हूँ, गुलाब जामुन का पीस है इसमें, काफ़ी बेहतरीन लग रही है। गुलाब जामुन, पनीर और साथ में लहसुन की चटनी और ग्रेवी, और काफ़ी मुझे तो अलग ही चीज़ लगी खाने में। पहली बार खा रहा हूँ जोधपुर आके, नेक्स्ट लेवल चीज़ लगी। आप आओ, अलग एक्सपीरियंस ले सकते हो। गुलाब जामुन की सब्जी शायद ही आपने कभी खाई हो, वो भी सैंडविच के साथ लगा के। एकदम अच्छी चीज़ बनाते हैं अंकल जी। फीटी बादाम के लड्डू और पेड़े। पेड़े और साथ में सिका हुआ मावा। मावा सिका हुआ मावा और कबूली, जिसको हम चावल बोलते हैं जोधपुर में, कबूली बोला जाता है। तो टाइमिंग क्या है अंकल जी आपके ठेले की? 11 से रात को 11 बजे तक। कुंज बिहारी जी का, ये जी सामने कुंज बिहारी जी का मंदिर है और ये गए कटला बाजार है। जैसे ही आप घंटाघर से आओगे तो ये कुंज बिहारी जी का मंदिर, बगल में अचरनाथ का मंदिर है, ऊपर है विजय रेस्टोरेंट, नीचे लगाते हैं न्यू भयंकर एंड बेस्ट के नाम से ठेला। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं लाऊंगा अभी जोधपुर की और ऐसी डिफरेंट वीडियो, डिफरेंट डिश। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को, जय हिंद।